नमस्कार मित्रों, अंकिता जी एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक इंग्लिश टीएलएम। बहुत ही रोचक और आकर्षक टीएलएम है। इसके द्वारा बहुत आसानी से हम बच्चों को प्रीफिक्स पढ़ा सकते हैं और प्रीफिक्स के द्वारा बच्चे बहुत सारे वोकैबलरी को जान पाएंगे। प्रीफिक्स एक लेटर या कुछ लेटर्स का ग्रुप होता है, जिसे अगर हम किसी भी वर्ड्स के आगे यूज करते हैं तो उस वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम एक प्रीफिक्स अन की बात करें, UNN, तो उसे जब हम किसी भी वर्ड के आगे यूज करते हैं तो वह उसका मीनिंग चेंज कर देता है, उसको नॉट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जिसके पास रोजगार ना हो, बेरोजगार। एजुकेटेड में जो पढ़ा लिखा हो, अनएजुकेटेड जो ना पढ़ा लिखा हो वो अनपढ़। इस तरह से लाइक अनलाइक, स्टेबल अनस्टेबल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके आगे हम अन यूज करके उसका अर्थ चेंज हो जाता है और उसका अपोजिट हो जाता है। इस तरह से डिस वर्ड है, लाइक डिसलाइक, कनेक्ट डिसकनेक्ट। इस तरह से मिस वर्ड है, कैरेज मिस कैरेज, कंडक्ट मिस कंडक्ट, बिहेवियर मिस बिहेवियर। इस तरह से और भी बहुत सारे प्रिफिक्स हैं जिनका यूज करके हम बच्चों की वोकैबलरी स्ट्रांग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक कलरफुल पेज से स्टार शेप कट कर लिया और एक यह कार्डबोर्ड बॉक्स है जिस पर हमने यह पेपर स्ट्रिप्स लगा दी और यह ऐसे एक मैजिकल बॉन्ड बना दिया। इस स्टार शेप को हमें कार्डबोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया है ताकि यह अच्छी तरीके से स्पिन हो सके। अब हम एक पिन लेंगे जो नुकीली पिन होती है और उसे हम बीच में यहाँ पर फिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे और पिन को यहाँ पे हम बीचों बीच यहाँ पर लगा देंगे। आप देख सकते हैं आसानी से स्पिन हो रहा है। तो यह हमारा टीएलएम रेडी हो चुका है प्रीफिक्स का। अब हमें प्रीफिक्स लिखनी है और उसे कुछ वर्ड्स लिखते हैं जिससे उनका अर्थ चेंज हो सकता है, और इसका उदाहरण हम बच्चों को करके दिखाएंगे। जैसे हमने अन का बताया था, यहाँ पे हम अन लिख देंगे या उसकी मीनिंग लिख देंगे नॉट। अब हम जिसके आगे यह वर्ड यूज कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उसका वह नॉट के सेंस में आएगा। काइंड अनकाइंड, जो काइंड ना हो, फ्रेंडली फिनिश्ड अनफिनिश्ड, जो फिनिश ना हुआ हो, फ्रेंडली अनफ्रेंडली, जो फ्रेंडली ना हो, लाइक अनलाइक, नोन जिसे सब कोई जानता, अननोन जिसे कोई नहीं जानता। इस तरह से री का अर्थ होता है गेन, अगेन, रिफॉर्म फिर से फॉर्म करना, रीगेन फिर से प्राप्त करना, रीस्टार्ट फिर से शुरू करना, रीप्ले फिर से खेलना, रीलोड किसी चीज को फिर से अपलोड करना, रिवीजन पुनः दोहराना, रीडू फिर से कोई काम करना, रीडू रीराइट फिर से लिखना, यानी अगेन। री का हो गया अगेन, अन अनहैप्पी खुश नहीं होना, नॉट का सेंस है इसमें, अनकाइंड अनफिनिश्ड अनफ्रेंडली अनलाइक, सब में आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉट का सेंस आ रहा है जब हम उसने अन यूज कर देते हैं। तो अनडन जो कि ना हुआ हो, अनसेफ सेफ ना हो, अनहैप्पी खुश ना हो, डिस यहाँ भी नॉट या उसके अपोजिट का सेंस देता है। जैसे कोई ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट यानी वह उल्टा बेईमान, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, रिस्पेक्ट आदर, डिसरिस्पेक्ट अनादर करना यानी अदर ना करना, नॉट का सेंस दे रहा। लाइक पसंद करना, डिसलाइक पसंद ना करना, डिसरिस्पेक्टफुल डिसएग्री। इसी तरह से अपीयर का हो गया डिसअपीयर, गायब हो जाना, ओबे मतलब पालन करना आज्ञा का, डिसओबे मतलब आज्ञा का पालन ना करना, कवर मतलब ढकना, डिसकवर मतलब खोज करना, ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। मिस का भी अर्थ होता है रॉन्ग गलत, जैसे मिसलीड करना, किसी को गलत राह दिखाना। इस तरह से मिस बिहेव गलत व्यवहार करना, बिहेव मतलब अच्छा व्यवहार, मिस बिहेव गलत व्यवहार, मिसकंडक्ट गलत काम, मिस्टेक गलत गलती, मिसस्पेल गलत प्रोनाउंस करना, मिसरीड गलत पढ़ना, मिसप्लेस गलत जगह रखना, मिसलीड मतलब वही
गलत लीड करना, मिसबिहेवियर। सब मतलब किसी चीज के अंडर में, यानी उसका सबमर्ज, सबमरीन, पानी के अंदर। सब टाइटल शीर्षक, उप शीर्षक। उप का अर्थ भी देता है सबकॉन्सियस। सब कैटेगरी, उप कैटेगरी। इंस्पेक्टर का होता है सब इंस्पेक्टर, यानी जो इंस्पेक्टर के अंडर में। सब वे, अंडर वे। इस तरह से अगर हम को प्रिफिक्स की बात करें तो जिसके साथ लगेगा उसका अर्थ देगा विथ का सेंस देगा। जैसे को पायलट, दो पायलट जो साथ में काम कर रहे हो। को वर्कर, जो दो वर्कर काम कर रहे हो साथ में। को प्रोड्यूस, जो दो लोग साथ में कोई चीज प्रोड्यूस हुआ हो। को रिलेट, एक साथ रिलेट करना। को एग्जिस्ट, एक साथ एग्जिस्ट करना। कोऑर्डिनेट, एक साथ कार्य करना। कोऑपरेशन, को पायलट। तो उम्मीद है आपको यह प्रीफिक्स TLM पसंद आया होगा, तो इसे लाइक जरूर करिएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं और इस तरह के और TLM देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।